सोच रहे होगे मैंने जैकेट क्यों पहना है, क्योंकि अब हो गई है ठंड और दिल्ली के अंदर जो ठंड हो रखी है उससे, एक्चुअली दिल्ली के अंदर ठंड नहीं है, हम मैं जा रहा हूँ, अब की बार हम नहीं है मैं जा रहा हूँ, मैं और आप लोग चलेंगे एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा है। बहुत टाइम से चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आ रही, वो इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि मैं एक अच्छी वीडियो बनाने की सोच रहा था और उसके लिए मेरे को एक ट्रिप प्लान करनी थी जो कि अब जाके फाइनली मेरी ट्रिप प्लान हुई है। हेलो नमस्ते सस्तकाल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रव एपिसोड्स। इस ट्रिप के अंदर बजट की कोई बात नहीं है, बजट का मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं देने वाला, वो चीज़ अच्छी लगेगी सिर्फ वही शूट होगा, उसके अलावा कुछ शूट नहीं होगा। तो चलिए अभी करते हैं हम लोग सीधा पैकिंग। सफ़र सुनने में अच्छा लगता है और कहने को सिर्फ तीन अक्षर, पर कहने और आजमाने में कुछ तो फर्क होगा। बस उस फर्क को शायद महसूस करना था जिसकी राह पर निकल पड़े हैं ये कदम। तो 200 किलोमीटर के बाद एक पहला ब्रेक लिया है भाई। हुआ ये है कि मैं तो गया था 100 बहुत देर तक, मतलब मैं 70 किलोमीटर के ट्रैवल के बाद उसके बाद एकदम से सो गया था। फिर रात को जो वीडियो तैयार करने के चक्कर में, वीडियो का जो स्टार्टिंग बनाने के चक्कर में, वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो 3:30 बजे मैं सोया था। उसके बाद 4:30 मेरे को दोबारा उठना पड़ा था, तो मैं खाली 2 ही घंटा सोया। सूरज ढाबा करके है, इधर हम रुके हैं, हम मतलब अब मेरे साथ 2 लोग और हैं, उन्होंने मेरी बुकिंग करी थी लेकिन एट मोमेंट पे वो भी मेरे साथ आने लगे, तो मेरे को भी सही है कि अब सब लोग एक साथ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बाकी जगह बहुत बढ़िया, अभी कुछ खाते हैं, थोड़ा बहुत खाएंगे, घर से लेके आए थे वही खाएंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे।
यार अभी तो डलवा रहे हैं तेल, थोड़ा सा दूर रह गया, अराउंड 50 किलोमीटर्स और रह गया, मैक्सिमम 50 किलोमीटर्स। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया ट्रिप हो रही है। और ये देखो व्यू, शाम होने के बाद जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे तो आपको कुछ अलग सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे यही था, यही करने आए हो और यही करने निकले हो। जो मन की शांति हो रही है इतने लंबे ब्रेक के बाद, अगर आप बाहर निकल रहे हो, आप नहीं गए हो, तो ये जो शांति है ना, खुद देखो ये, मतलब इस चीज़ को अगर कोई बयां कर सकता है तो वो सिर्फ ये नज़ारा है जिसको मैं देख रहा हूँ। और इस नज़ारे को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इसको पूरा अच्छे तरीके से दिल में बसा पा रहा हूँ अपने। तो जगह आप लोगों को अगर समझ नहीं आई हो तो ये है फागु, ये कुफरी से थोड़ा आगे है, एंड ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंजॉय करो इस चीज़ को और फिर हम मिलते हैं अगले दिन के व्लॉग में। अगले दिन जो हम करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। सफ़र, मंजिल तक पहुँचना ही सब कुछ नहीं होता, सफ़र भी बहुत मैटर करता है। पीस आउट। ये भी रफ़ी साहब का है, मुझे इश्क है तुम्हें से।